के साहब की शानदार आवाज में कड़क कड़क, अरे ऐसा कोई कड़क नहीं जो इश्क में पिघला नहीं। सुने जा रहे हैं, पहले तो सबसे पहले तो तहे दिल से सलाम है लिटरेसी इंडिया को, जो इतने सालों से इतना बेमिसाल काम कर रहे हैं। लिटरेसी इंडिया कंप्लीटिंग 25 इयर्स कमिटेड टू दिस कॉज विद अ रीच टू ओवर 7 लाख अक्रॉस द नेशन सिंस 1996। अब ऐसे में इन्होंने बहुत ही शानदार काम किया। देखिए, सिर्फ पढ़ाने का ही नहीं, गर्ल चाइल्ड को, यंग गर्ल्स, इनको सिर्फ पढ़ाने का ही नहीं बल्कि एक अच्छा कहते हैं ना बैलेंस डाइट, हेल्दी डाइट देने का, ये भी इन्होंने बहुत अच्छे से ये रोल भी जो है निभाया है। और आज हमारे साथ मिसेस अनंदिता पावा हैं, हेड CSR पावा ग्रुप, जिनसे हम एक सवाल कर रहे हैं कि क्योंकि ये भी जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से लिटरेसी इंडिया से, पावा ग्रुप और लिटरेसी इंडिया के किन प्रोग्राम्स के साथ कार्य कर रहे हैं और बतौर डोनर आप अपने एक्सपीरियंस को कैसे शेयर करना चाहेंगे, कैसे बताना चाहेंगे, कैसा लगा लिटरेसी इंडिया के साथ जुड़कर? लिटरेसी इंडिया के 25 इयर्स कंप्लीट होने पे बहुत कंग्रेचुलेशंस, एंड कंग्रेचुलेशंस टू कैप्टन इंद्रानी, बिकॉज शी इज अ वेरी पैशनेट लीडर एंड शी लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, एंड पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रोग्राम हो और जिससे भी हमारा इंटरेक्शन रहे, दैट सेंटिमेंट इज देयर थ्रू आउट। प्रायर के CSR में हमारा तीन मेन एरियाज हैं, दिस एजुकेशन, एनवायरमेंट एंड विजन फॉर आईसाइट। मेनली एजुकेशन में वी आर वर्किंग अ लॉट विद लिटरेसी इंडिया। हमारी लिटरेसी इंडिया के साथ 10 साल से ऊपर से पार्टनरशिप है। 2011 में हमारा पहला प्रोग्राम लिटरेसी इंडिया के साथ शुरू हुआ था, जो कि है प्रायर पाठशाला। ये पाठशाला प्रोजेक्ट में बच्चे जो आते हैं स्कूल, ऐसे बच्चे हैं जो कभी स्कूल नहीं आए हुए, इनको बेसिक लर्निंग मिलती है, एक उनकी लेवल ठीक हो जाती है, तो इनको हम गवर्नमेंट स्कूल या नॉर्मल स्कूल में हम मेन स्ट्रीम कर देते हैं। और इसके बावजूद भी दोपहर में इसी इन बच्चों की रेमेडियल क्लासेस होती है। एक और खास बात है कि इसी पाठशाला में लेडीज के लिए भी स्टिचिंग और टेलरिंग का कोर्स रखा जाता है, जो कि उन्हें वोकेशनल एजुकेशन भी मिलती है वहाँ। सो पूरी कम्युनिटी को ये बहुत अपलिफ्ट करता है। बच्चे हैं और लेडीज हैं, डायरेक्टली इनके साथ हम काम करते हैं लिटरेसी इंडिया के थ्रू। और इन पाठशाला में जो लेडीज हैं, 270 लेडीज से ऊपर ऑलरेडी ने स्टिचिंग का कोर्सेस करे हैं यहाँ पे। और लिटरेसी इंडिया के साथ हम स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी करते हैं, जो बच्चे स्कूल से पास आउट हो गए हायर एजुकेशन के लिए, कॉलेज के लिए, उसके लिए भी स्कॉलरशिप्स हम करते हैं। जैसे आपके पैरामेडिकल कोर्सेज हो गए, डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी, मेकाट्रॉनिक्स। एक और प्रोग्राम है लिटरेसी इंडिया का, ज्ञान तंत्र डिजिटल दोस्त। ये लिटरेसी इंडिया ने अपने आप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तैयार करा है स्टडीज के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट जागे और डिजिटल इज द वे फॉरवर्ड। क्या बात है, एक ही तो दिल है लिटरेसी इंडिया, कितनी बार जीतेंगे। और बदलते समय के साथ साथ जिस तरह से डिजिटल चीजें जो सोशल मीडिया पे भी आ रही हैं, उसमें भी बराबर है। मतलब मेरे को अच्छी, सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि आप ना कई बार सिर्फ ज्ञान नहीं देते, कई बार किसी शख्स को इतना आप हिम्मत देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें सिखाते हैं जिससे कि उसको कभी किसी पे निर्भर ना होना पड़े। जैसे वोकेशनल एजुकेशन की बात हो रही थी, सिलाई बुनाई की बात हो रही थी, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया और ऑल द बेस्ट। मैं यही चाहूँगा कि अगर आप भी इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, कुछ भी बात कहना चाहते हैं, अपनी लिटरेसी इंडिया के सामने रखना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं @literacyindia.org। गुड मॉर्निंग आशीष के साथ हैं आप। डू देश।